नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब कुशलतापूर्वक घर में होंगे। यह हमारी पहली बार कक्षा है। आप सब द्वितीय कक्षा में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़कर आए हो, द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पर संस्कृत ले रखे हो। संस्कृत सीखने से पहले तो हम सबसे पहले गुरु वंदना करना चाहते हैं। आप लोग हाथ जोड़िए और सबसे पहले अपने गुरु को स्मरण कर लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कैसा लगा? अब सबका मन शांत हो गया। अब आइए संस्कृत। संस्कृत कोई नई भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है। हमारे देश में सबसे पुरानी भाषा। तो जितनी सारी भाषाएं आप जानते हो ना, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, ये सारे भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत से ही ये सारी भाषाएं उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत कोई कठिन भाषा नहीं है, अति सरल है। अगर आप मन लगाकर पढ़ोगे तो बहुत जल्दी उसको हासिल कर पाओगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब कर सकते हैं। तो आइए अभी हम संस्कृत वर्णमाला की ओर चलते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ है अक्षर। वर्ण शब्द का अर्थ है अक्षर। अक्षर क्या है? आपने हिंदी में पढ़े हुए होंगे ओ आ क ख ग आदि, ये सारे एक एक अक्षर हैं। वर्णों की माला, जब वर्णों की, बहुत सारे वर्णों की हम जब माला बना रहते हैं, माला मीन्स हार। ये देखिए, ये एक ही वर्ण माला में एक एक मोती है, बहुत सारे मोती है। एक एक वर्ण को, एक एक अक्षर को जब हम धागे में पिरो देते हैं, पिरोए देते हैं, तब वो हो जाता है माला। उसी प्रकार वर्ण माला जो है बहुत सारे अक्षरों के मिलन से माला मूल्य होने के कारण उसको वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला दो भाग में वर्णित है। सबसे पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। जैसे कि हम अ बोलते हैं तो डायरेक्ट अ ही लिखते हैं। तो स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र होते हैं। और संस्कृत भाषा में स्वर जो है वो 13 है, 13 स्वर। आइए हम आपको स्वर वर्ण के साथ परिचित कराते हैं। ओ बोलिए, ओ आ, ओ आ, ई ई, ई ई, फिर से बोलिए ओ आ ई ई ऊ
की ई ऊ री री ल री ए ए ए ए ओ ओ ओ ओ फिर से बोलिए ओ आ ई ई उ ऊ री 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 ए ए ओ ओ आप अभी स्वर वर्ण के साथ परिचित हो गए होंगे। अभी चलिए व्यंजन वर्ण में। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन को तीन भाग में बांट दिया गया है। सबसे पहला भाग का नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को पांच वर्गों में बांट दिया गया है, अर्थात पांच भाग में बांट दिया गया है, और हर एक वर्ग में पांच पांच अक्षर होते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला वर्ग का नाम है क वर्ग। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अभी मैंने आपको बताई थी हर एक वर्ग में पांच पांच अक्षर होते हैं। आइए वो अक्षर क्या है, कैसे हैं, अभी हम देखेंगे। क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ और म। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर होते हैं। आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कि मैंने हर एक अक्षर के नीचे एक रेखा खींची हूँ। आप ये रेखा को देखकर लगता होगा आपको कि ये रॉ का मात्रा है, परंतु ये रॉ का मात्रा नहीं है। रॉ का मात्रा इस प्रकार डाला जाता है, परंतु मैंने इस प्रकार डाली हूँ, अतः यह मात्रा को हलंत कहा जाता है। हलंत डालने का मतलब यह है कि ये सारे व्यंजन वर्ण जो है आधे अधूरे हैं, ये संपूर्ण नहीं है। जब ये स्वर के साथ जुड़ जाएंगे तब ये संपूर्ण बनेंगे। हम उच्चारण करते समय भी आधे शब्द अक्षर का उच्चारण करते हैं। क, ख, ग, घ, तो ये कैसे पूरा होएगा? जब हम क प्लस अ इज इक्वल टू क। अभी आधा उच्चारण नहीं होएगा, अ स्वर उसमें जुड़ गया, जिसके कारण अभी ये उच्चारण होएगा क। अगर च, च में आ स्वर मिल गया तो ये हो गया चा। शायद आपने ये हलंत के बारे में समझ गए होंगे। ये हलंत प्रयोग करने का कारण यह है कि संस्कृत में बहुत सारे आधे अक्षर युक्त शब्द बनाया जाता है। दो अक्षर के मिलन से बहुत सारे शब्द आपको संस्कृत में दिखाई देगा। जैसे यहां पर भी देखिए, आप सम, स के साथ
अनुस्वर है, यह अनुस्वर नहीं है, ये म है। और स के साथ ऑलरेडी अ भी है, और स्वर भी है, म व्यंजन भी है। यहां पर स्क्रू, यहां पर स भी है, क है, अ है, री है। तो इस प्रकार जब संस्कृत में हम शब्द रचना करेंगे तो बहुत सारे अक्षर के सम्मिलन से हमारा शब्द बनता है। तो इसलिए हलंत का प्रयोग सीखना जरूरी है। तो व्यंजन में जब हमने आपको पहले बता दिए कि तीन भाग में इसको बांट दिया गया है, सबसे पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। तो मैं अभी दूसरे भाग में जाऊंगी। जो दूसरा भाग है वो अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन चार अक्षर होते हैं, वो अक्षर है य, र, ल और व। य, र, ल और व। तो अंतःस्थ व्यंजन में चार अक्षर होते हैं, स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर, अंतःस्थ व्यंजन में चार अक्षर। उसके बाद वाला व्यंजन का नाम है उष्म व्यंजन। उसके बाद वाला व्यंजन का नाम है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में भी चार अक्षर होते हैं, वो है श, श, स और ह। इस प्रकार यहाँ 25 वर्ण है, यहाँ पर चार वर्ण है, यहाँ पर चार वर्ण है, तो पूरा मिलाकर व्यंजन जो है वो 33। स्वर हमारे 13 है और व्यंजन जो है हमारे 33 वर्ण है।